कि कैसा स्कल्पचर होगा ग्रेनाइट का होगा और व्यू कैसा होगा अगर थोड़ी डिटेल में हमें बताएं देखिए स्कल्पचर का हाइट तो अब सब लोग को पता है कि 28 फीट हाइट होगा आ, लेकिन उसका जो रूप होगा ब्लैक पत्थर में होगा कला मुगलनी जिसको ब्लैक ब्लैक ग्राइट बोलते हैं एक्चुअली जो उनका जो सोच अभी भी हम सोच रहे हैं कि किस तरह का उनको प्रेजेंट करेंगे एक क्योंकि अभी पूरा देश ये स्टैचू में गौरवान्वित तो हो रहे हैं और सबका इच्छा है कि उसका जो रूप है रियल रूप आना चाहिए क्योंकि हम सब एक तो जो उनका पावर है ना वो ग्रानाइट में ही मिलता है जो स्टांड ऐसे होते हैं ना मजबूत से जो स्टांड होते हैं और एक चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको अभी भी हम मैं ड्राइंग कर रहा था उसका साइज़ क्या होना चाहिए प्रॉपर पत्थर कैसे निकलेगा और उसका कैसे कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे कि इस तरह का चीज़ को हम प्रेजेंट कर सकते छोटा सा उसको पहले मॉडल तैयार कर रहे हैं थ्री डी मॉडल फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं आजकल टेक्नोलॉजी हमारा पास है और आ, हम चाहते हैं कि दोनों हमारा जो पुराना शैली था जिसको आप पारंपरिक कला बोल सकते और कंटेम्प्रेरी दोनों हम मिला के क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़िया हो गया आप लेज़र में काम कर सकते हैं नीमैटिक टूल्स में काम कर सकते और सेवन एक्सएल आ गया अभी आप उसको टेक्नोलॉजी में आप डिटेल बना सकते और उसका साथ जो हमारा पारंपरिक का कला है जो कि हाथ में है उसमें कहाँ थोड़ा डिटेल चाहिए क्योंकि उनका रूप जब हम सोचते हैं एक पर्सनलिटी ऐसा है कि वो एक्चुअली जब गांधी जी का फिल्म भी बन रहा होगा वो मेरे को बताया कि जो एक्टर थे वो खुद भी खाना पीना ऐसे करते थे और कपड़ा सब कुछ तो उनके लिए 24 फोर आवर में सोचना पड़ता है किस तरह का उसका रूप होगा जो एनर्जी मिलेगा वो ग्रानाइट में ही मिलेगा प्रधानमंत्री जी का इच्छा है हमारे मिनिस्ट्री कल्चरल मिनिस्ट्री और हम आर्टिस्ट कम्युनिटी उसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी की कि किस तरीका होना चाहिए ये रूप और हम चाहते हैं इसमें सीनियर आर्टिस्ट और कुछ यंग आर्टिस्ट कुछ ट्रेडिशनल आर्टिस्ट सारे मिल उसको तैयार करेंगे जो रूप का बारे में आप बता रहे हैं वो रूप अभी भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि उनका जो पावरफुल सबसे कि स्ट्रांग डिसीजन लेना एक एक डायरेक्शन में काम करना और उनका जो विजुअल इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होना चाहिए जो कि नेशन को एक एक नेशन को लीड कर रहे थे उनको ऐसे तो बोलते हैं कि आ, कि पहला जो नेशन का जिसको मेन लीडर मानते हैं उनका वो कैरेक्टर था वो और कभी कभी उनका थिएट्रिकल भी था कि कहाँ छुप के जाना कहाँ ये करना सारी प्रोसेस हम चाहते हैं एक इस स्टैचू में सारी क्वालिटी आ जाए कि उसको देखने के लोग भी लगे कि वाह सर आपसे बात करके लग रहा है कि आप बहुत ही इमोशनल है तो जब आपको बताया गया कब आपको बताया गया कि आपको ये काम करना है और शायद ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कटक में ही बॉर्न हुए थे वो भी उड़ीसा के हैं, आप भी उड़ीसा के हो तो ये जो एक चीज है इसमें आप क्या कहेंगे मतलब एक्साइटमेंट आपकी हम इमोशनल टच तो देख ही सकते हैं देखिए सचमुच ये और मेरे को लगता है कि भगवान का आशीर्वाद है जगन्नाथ मैं उड़ीसा से हूँ जगन्नाथ जी का क्योंकि एक सोजग ऐसे है कि मैं भी उड़ीसा से हूँ और जो जिनको रूप देने के लिए जा रहा हूँ वो नेशन का लीडर लेकिन उड़ीसा से वो जन्म हुए थे एक एक कनेक्शन पता नहीं कैसे होगा लेकिन मैं जो ब्लैक कलर का पत्थर सोचा है ना वो एक्चुअली हम जो एनर्जी बोलते हैं ना ओड़ीसा में जगन्नाथ कला होते हैं है? महाकाली कृष्णा का रूप कला होता है जो कि एनर्जी है ना उसमें मिलता है और इसमें हम थिएट्रिकल प्ले कर सकते कहाँ टेक्सचर दे सकते हैं कहाँ पलिश कर सकते कहाँ डिटेल वर्क और ग्रानाइट एक लाइन हजारों साल तक रहता है और उसका उसका फीलिंग क्योंकि वो वो मदर जैसा लगता है पूरा सबको ऑब्जर्व कर लेता है ब्लैक कलर में कोई भी कलर डालो ना वो सबको ले लेता है मदर जैसा है वो एनर्जी उसका अंदर है तो हम जब ये बात ओडिशा का बात आया मेरे को लगता है कि वहाँ पर भी ऐसे जगन्नाथ का जो मूर्ति बनता है आप सरप्राइज हो जाएंगे वो ड्रीम में आता है कहाँ से वो मेटेरियल मिलेगा है ट्री कहाँ है वहाँ किस तरीका चिन्ह होगा शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह होगा किसी रास्ता में जाएंगे अभी ये सारी ड्रीम प्रोसेस मेरा चल रहे हैं है? और वहाँ पर जो सिस्टम है ना मेरे को लगता है जगन्नाथ ही इसको गाइड करते क्योंकि इतना बड़े काम ये हमारी इस कल्चर में हमारा देश गौरवान्वित तो हो रहे हैं क्योंकि उनको हम सम्मान नहीं दे रहे हैं पूरा देश इसमें मतलब देश को सम्मान मिला है सर आपको बताया कब गया था कि आपको ये काम करना है काफ़ी दिन से चर्चा में जब एक प्लान हम किए थे कि उनका मेमोरियल बनेगा और धीरे धीरे कैसे क्या होगा काफी एक साल से जब हम आ, चल रहा था कि प्रधानमंत्री जब कलकत्ता गए थे वहाँ पर हम सुभाष बोस का पूरा प्रोग्राम बनाए थे और खुद वहाँ देखे थे उनका एनर्जी दो सौ अढ़ाई सौ आर्टिस्ट मिल के वहाँ एक्सरसाइज किए थे उनका एक काफ़ी दिन से उसका बारे में मेरा ऊपर भी मैं भी काफ़ी सोच रहा था लेकिन प्रधानमंत्री जी का इच्छा आया उनको अच्छा लगा कि इस तरीका एक रूप हो तो दो चार साल दो दो चार महीना से इसका ऊपर मैं एक्सरसाइज कर रहा था कि, कि किस तरीका होना चाहिए क्या होना चाहिए आ, लेकिन प्रधानमंत्री ऐसे सोचेंगे मेरे को पता नहीं था अचानक ऐसे बात आए कि नहीं वो ब्लैक ग्रेनाइट में होना चाहिए अब देखिए कनेक्शन कैसे होता है महीने पहले आपको प्रधानमंत्री ने बोला कि ब्लैक ग्रेनाइट में नहीं नहीं दो महीना पहले नहीं जब भी हाँ पर पता चला दो चार दिन पहले कि उनका भी इच्छा है कि ये ब्लैक ग्रेनाइट में होना चाहिए तो मैं बता रहा हूँ जो कनेक्शन एक्चुअली मेरा जो फेवरेट मीडियम है ब्लैक ग्रानाइट आप नेशनल पुलिस मेमोरियल देखेंगे वो भी ब्लैक ग्रानाइट में बनाया आप आ, ये ब्लैक मार्बल जो है रा, राजघाट में जो गांधी जी का डांडी मार्च बनाया तो उसका साथ मेरा भी बहुत दिन से कनेक्शन है कि मैं ब्लैक कलर का पत्थर को बहुत प्यार करता हूँ उसका साथ वो एनर्जी मेरे को मिलता सर, है मैं लेमान हूँ लेकिन बस समझना है कि ये सिंगल स्लैब ग्रेनाइट होगा और कितना लेंथ से आप क्योंकि पूरे होगा ट्वेंटी एट फीट हाइट होगा और जो पत्थर निकलेगा एट बाई एट फीट का मिलेगा क्योंकि उनका जो सॅलिड पोजिशन आ रहे हैं आप देखेंगे थोड़ा बाहर आता है ना उसको एक ही पत्थर में होगा तो, तो, एट तो फीट हाँ एट बाई एट फीट का पत्थर निकालना पड़ेगा मेरे सर आ, <laughs> कितना लगभग टाइम लगेंगे कब हम देख पाएंगे <laughs> ये देखिए फिफ्टीन अगस्त का पक्का हम देख सकते उसको और पूरा इसमें क्योंकि अभी जैसे दिन रात ट्वेंटी फोर आवर्स हम तैयार कर रहे हैं काम करने के लिए और इसमें पूरा टीम सहजोग कर रहे हैं पूरा ग्रेनाइट कहाँ से आ रहा है ग्रेनाइट हम तीन जगह में देखे एक तो चामराजनगर में देखे मैसूर का पास बेंगलोर का पास है तो एक तेलंगाना का पास है तो हर जगह हम अभी मेरे को मूवमेंट ले मतलब घूमना पड़ेगा अरे एक एक चीज़ को परखना जहाँ चाहता हूँ जहाँ जेड ब्लैक जो प्योर ब्लैक मेरे को चाहिए वहाँ जहाँ से मिलेगा उसको हम तुरंत ले आएंगे तो कितने लगभग लोग टोटल लगेंगे पूरे काम करने में इसमें बीस से तीस आर्टिस्ट काम करेंगे लेकिन आ, मेरे को सब बड़े सीनियर आर्टिस्ट का भी आशीर्वाद है रामसुदार जी से भी बात किया सुदर्शन साहू जी से भी बात किया और जो मैं चाहता हूँ दोनों ट्रेडिशनल और कंटेम्प्रेरी दोनों मिलके एक यूनिक कल्चर बने जो को पब्लिक को आराम से उसको फील कर सकते तो, वो जो एनर्जी उनका जो ताकत है उसको फील कर सकते तो, तो इसलिए सब लोग का हेल्प चाहिए एक आखिरी सवाल सो पहले थ्री में ये पूरा स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे जैसा कि आप कह रहे हैं उसके बाद आप हाथ से ये स्कल्पचर स्कल्प करेंगे देखिए हाँ ज़्यादा काफ़ी काम मशीन में भी हो जाएगा लेकिन जो डिटेल वर्क आप सोचिए कि जो उनका क्या है क्या आपका टेक्सचर क्या है वहाँ एक बटन लगाए उसका क्या होना चाहिए किस तक वो डिटेल वर्क भी वो हाथ में ही करना पड़ेगा और उसका मज़ा उसी में आता है उसको फील कर सकते हैं उनका कपड़ा का टेक्सचर भी फील कर सकते और तो उनका जो गन बुट था उसका क्योंकि कभी कभी शरीर का कपड़ा का और फेस सब अलग अलग टेक्सचर में हमको प्ले करना पड़ेगा आपको लगेगा कि एक्चुअली अब अब ग्रेनाइट तो बहुत हार्ड है लेकिन काम करने का बाद उसको अभी मेरे को माखन जैसा लगता है उसमें काम करना है उसको फील करना तो जो डिटेल वर्क होगा हमारे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट वो बहुत अच्छे काम करते हैं उनसे हम डिटेल एक एक पॉइंट को डिटेल काम करेंगे सर और पूरा काम दिल्ली में ही होगा आ, कुछ पार्ट तो जहाँ से पत्थर निकलेगा वहाँ से थोड़ा हल्का करके पत्थर लाना है सोच रहा हूँ और जो ज़्यादातर क्योंकि यहाँ से जो एक्सरसाइज होगा पहले तो मेरे को आ, एक डमी बना के रियल साइज में चाहता हूँ चूँकि उसको थोड़ा जैसे कि अभी आप तेईस तारीख को देखे होंगे कि यहाँ पर रियल सेल हो रहा था कि आप ट्वेंटी सिक्स को कैसे करेंगे तो हाँ। मेरे को भी वो प्रोसेस में जाना है रियल <laughs> मैं भी डॉमी रिहर्सल करूँगा हाँ। और क्योंकि वो केनएपी का अंदर जाएगा पब्लिक हाँ। का ओपन स्कल्चर हो तो बात और कुछ हाँ। है।, है लेकिन एक सेंसिटिव प्लेस है जहाँ पर किसी प्रोसेस में क्या टेक्नोलॉजी में हम उसको खड़ा करेंगे क्या होना चाहिए और साइज कभी कभी दूर से आप देखते हैं कैसे लग रहे हैं और वो डोमी में आप चेंज कर सकते हैं नहीं यारे भाई उसका फेस का मूवमेंट थोड़ा ऐसे हो तो अच्छा लगेगा कि आप नीचे से देख रहे हैं उसका फेस का साइज क्या होना चाहिए कभी कभी आ, दूर से देख रहे हैं तो सारी एंगल से हमको देखना पड़ेगा क्योंकि वो जगह है आप रायसेना हिल से भी देखेंगे वो नज़र आएगा तो कितना सुंदर जगह है तो इसलिए हमको रियर्सल जो बहुत ज़रूरी है तो इसके लिए काफ़ी प्रोसेस हम तैयार कर रहे हैं और पूरा टीम इसके लिए लगे एक नहीं पूरा एन एम का टीम आर्टिस्ट कम्युनिटी अरे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं तो फिर बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसेस है जैसा है कि हम समझ रहे हैं कि छः से सात महीने लगेंगे फिफ्टी अगस्त को हमें देख पाएंगे उसके पहले एक डमी रिहर्सल होगा तो ये आप खुद इंडिया गेट में जाके एक डमी रिहर्सल करके फिर फाइनली आप ये जी 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 हाँ क्योंकि ये अगर ओपन एयर स्कल्चर होना तो इतना प्रॉब्लम नहीं है एक जगह ऐसा है कि जहाँ हिस्ट्री और हिस्ट्री बन रहे हैं तो ये मतलब कितना मैंने तो जब मेरा पास वो काम है आप सोच नहीं सकते इतना आनंद मिलता है कि लाइफ में एक आर्टिस्ट के लिए क्या हो सकता है इससे बड़ी काम कुछ नहीं है तो इसके लिए पूरा जान जितना भी हो सकता किसी भी एंगल में हम नहीं छोड़ना चाहते पूरा एक्सरसाइज होना चाहिए जो कि लास्ट मोमेंट में हमको इस तरह का नहीं लगे कि हाँ बस ये होना था तो वो होना नहीं चाहिए इसलिए पहले से हम चाहते हैं वो कंप्लीट हो जाए और इतना सुंदर लगे कि सबको अच्छा लगे क्योंकि पूरा देश इंतज़ार कर रहे हैं ये ये आर्टिस्ट का काम नहीं है पूरा देश का काम है सबका इसमें प्यार है तो उसी हिसाब से मैं भी हर से सोच रहा हूँ कहाँ भी नहीं चुनूँगा शुक्रिया <laughs> सर बात करने के लिए सो दैट वाज मिस्टर अद्वैत अगर नायक जी एंड ही वेरी कैटेगोरिकली एंड एक्सटेंसिवली स्पोक अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टैचू दैट दी एंटायर कंट्री इज वेटिंग फॉर एंड ही गेव अस अ डेट दैट फिफ्टींथ ऑगस्ट Will be the day when we finally get to see that statue, which will be a very memorable day indeed. With video journalist Anoop, this is Shriya for India Today.